जेल से बाहर आने के बाद आज दिल्ली के सीएम जा सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल हनुमान मंदिर और पार्टी ऑफिस जाने का भी प्लान। बिल के बाद रोड शो करते हुए सीएम आवास पहुंचे अरविंद केजरीवाल, घर पहुंचकर मां पिता का आशीर्वाद लिया। सिविल लाइंस वाले घर पर परिवार ने किया केजरीवाल का स्वागत, मां ने उतारी आरती, पिता ने गले से लगाया। तिहाड़ से बाहर आने के बाद चंदगी राम अखाड़ा से घर तक केजरीवाल ने किया रोज शो, पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया अरविंद केजरीवाल ने, कहा राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ाऊं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जेल में 100 गुना ज्यादा बढ़ी मेरी ताकत, सलाखें कम नहीं कर पाई है मेरा हौसला, संघर्ष किया और भगवान ने दिया साथ। केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल तो आप कार्यकर्ताओं ने जमकर चलाए पटाखे, बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की मांग। पूरे हिमाचल प्रदेश में कल हिंदू संगठनों का बंद का आह्वान, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर किया ऐलान, व्यापार मंडल ने भी दिया साथ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद, नगर निगम आयुक्त बोले 30 दिन में गिराने होंगे मस्जिद के 2 मंजिल। मंडी नगर निगम का मस्जिद कमेटी को सख्त निर्देश, कहा अवैध ढांचा खुद तोड़ वरना अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन करेगा कार्रवाई। शिमला व्यापार मंडल का बयान, कहा शिमला में नहीं होगा बंद का असर, खुले रहेंगे सभी बाजार। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान हुए शहीद, जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी के थे नायब सूबेदार विपिन कुमार, सिपाही अरविंद कुमार हिमाचल प्रदेश के थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घिरे 3 आतंकी, चटरू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना ने 2 आतंकियों को घेरा। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के आसपास लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य भवन के प्रदर्शन स्थल आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर दे रहे वहां पर धरना। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, आरजीकर अस्पताल गतिरोध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कोलकाता में जारी है जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रेप और हत्या को लेकर दे रहे धरना, प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। प्रधानमंत्री मोदी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा, डोडा में करेंगे चुनावी जनसभा, बदलाव का देंगे संदेश, विकास का करेंगे वादा। आज हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी कुरुक्षेत्र के धरती से करेंगे चुनावी संक्रांत, विपक्ष पर करेंगे ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र का दौरा, चुनाव के तहत सीट बंटवारे को लेकर कोर कमेटी के साथ कर सकते हैं मीटिंग। सुल्तानपुर एनकाउंटर में ढेर हुए बदमाश, मंगेश के परिवार ने की सपा अध्यक्ष से मुलाकात, माता पिता और बहन से मुलाकात की, अखिलेश ने तस्वीर भी शेयर की। अखिलेश यादव ने एक बार फिर मंगेश एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा कि एनकाउंटर की हो गहन जांच, बीजेपी ने शासन प्रशासन को नैतिक आधार खोया। यूपी के गाजियाबाद से घिनौना वीडियो सामने आया, जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा था आरोपी, अजीब स्वाद आने पर लोगों ने कर दी पिटाई, विशेष समुदाय का आरोपी है युवक। गाजियाबाद के लोनी का है मामला, यूरिन मिलाकर पिलाने वाला आरोपी दुकानदार गिरफ्तार, दुकान से मिला 1 लीटर पेशाब। झारखंड के दुमका में मिड डे मील खाने से 47 बच्चे बीमार, छिपकली गिरने से खाना हुआ था दूषित, मामले में जांच के दिए गए आदेश। हरियाणा के सोनीपत में बुरके में छात्राओं के स्कूल जाने पर बवाल, बडोली गांव का मामला, ग्रामीण और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
हंगामा होने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने सफाई दी, कहा ईद पर हुए कार्यक्रम में छात्रों ने परफॉर्म किया था, हिजाब पहनने के लिए मांगी माफी, पुलिस फोर्स तैनात, 11 सितंबर का है मामला। यूपी के सीतापुर में जा रही है आदमखोर का कहर, खूंखार भेड़िए ने बकरियों पर हमला कर दिया, एक बकरी की हुई मौत, 3 घायल, वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं आदमखोर की तलाश। बहराइच के डीएफओ का बयान, कहा इलाके में अभी सिर्फ एक ही भेड़िया, रात में गश्त कर उसे पकड़ने में जुटी है वन विभाग की टीम। एक भेड़िया बचा हुआ है और काम भी वही बचा हुआ है, एक भेड़िया पकड़ने का, और दिशा वही है जिस दिशा में हम अब तक काम करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, 2 किसानों को बनाया निवाला, पूरे गांव में बाघ से दहशत, वन विभाग लगातार रेस्क्यू में जुटा। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, तेज धमाके के साथ उठी ऊंची ऊंची लपटे, स्थानीय लोगों ने चालक और महिलाओं को बचाया। यूपी के झांसी में खड़ी बाइक में आग लग गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आग लगने का पता किया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत, एक शख्स की तलाश में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, गणेश विसर्जन के दौरान डूबे लोग। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हो गया, सड़क पर गिरे पेड़ से जा टकराई बाइक, महिला की मौके पर ही मौत, युवक की हालत गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक युवक नहर में डूबा, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा, गोताखोर कर रहे युवक की तलाश। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, नादिर शाह की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। नादिर की हत्या का कनाडा कनेक्शन सामने आया, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने तैयार किया मर्डर का प्लान, तिहाड़ में बंद हासिम बाबा को सौंपा गया था हत्या का जिम्मा। पैसों के लेन देन के चलते हुई नादिर शाह की हत्या, स्पेशल सेल हर एंगल से कर रही है मर्डर की केस की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में सिपाही जुबेर ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पिटा, गाली देते हुए लात घूसो डंडों से मारा, वर्दी छूने पर युवक को पीटा गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में लग्जरी गाड़ियों के साथ युवकों का खतरनाक स्टंट, गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर बनाई रील, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कुशीनगर में चोरी कांड का खुलासा, पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ा, मोटर हैंडपंप बरामद किया। यूपी के अंबेडकर नगर में बुजुर्ग महिला को मिला इंसाफ, बुजुर्ग को मृत घोषित करने वाला निलंबित, डीएम से शिकायत करने के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में आरजू हत्याकांड के दोषियों को हुई सजा, 3 दोषियों को उम्र कैद और 10,000 का जुर्माना, उधार के रुपए मांगने पर कासिफ फैसल और अधर ने की थी हत्या। यूपी के कुशीनगर में नाबालिग के साथ रेप, आरोपी इम्तियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गंभीर हद धाराओं में केस दर्ज किया गया। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 के नामी 2 बदमाश गिरफ्तार, 35,000 नकद, तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप, शराब पार्टी के दौरान चाकू से वार किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर से नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 36,70,000 के नकली नोट बरामद, पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एमपी के उज्जैन में मन्नत पूरी होने पर पिता ने 30 साल के बेटे को रुपयों से बंडलों से तोला, मंदिर में लगा नोटों का अंबार, 83 किलो के बेटे को 10,07,000 रुपए से तोला गया। यूपी के झांसी में 2 दिन से बिजली ना होने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने फिल्टर रोड पर लगाया जाम, पुलिस ने समझाकर मामले को शांत करवाया। यूपी के बदायूं में खाद्य सुरक्षा और औषधि की टीम ने छापेमारी की, मेडिकल स्टोर और गोदाम में मिली प्रतिबंधित दवा, कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए। यूपी के शाहजहांपुर में बारिश के चलते बिजली हुई गुल, नाराज लोगों ने गर्रा फाटक पर लगाया लंबा जाम, प्रशासन ने समझाकर खुलवाया जाम। देश भर के कई राज्यों में झमझम बारिश से बिगड़े हालात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के कई शहर डूबे, दिल्ली एनसीआर में पानी भरने से रफ्तार पर लगा ब्रेक, हिमाचल उत्तराखंड में भी कई रोड जाम। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में आई बाढ़, डेला गांव के पास पर्यटकों को लेकर जा रही जिप्सी पानी में बही, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले कई घंटों से हो रही है बारिश, खतरे के निशान से 12 फीट ऊपर बह रही है झील, निचले इलाकों में लोग बेहाल।
यूपी के शाहजहांपुर में पिछले दो दिनों से जारी बारिश, खेतों में लगी फसल हुई बर्बाद, गन्ना और धान की फसलें हुई चौपट। दिल्ली में हुई बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क बनी दरिया। यूपी के बहराइच में उफान पर घाघरा नदी, गांव में घुसा बाढ़ का पानी, एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। मध्य प्रदेश के बांदा में बारिश के चलते बढ़ा क्रेन नदी का स्तर, खतरे के निशान से 1 मीटर बह रही है ऊपर नदी, निचले इलाके में जलमग्न होते हुए दिखाई दिए, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में कमला हैरिस पर बोला हमला, कहा हैरिस ने अपराध के प्रति अपनाया नरम रुख। अमेरिकी विदेश विभाग ने की रूसी सरकारी मीडिया पर नए प्रतिबंधों की घोषणा, यूक्रेन में मॉस्को के सैनिकों के लिए धन जुटाने के लिए सरकारी मीडिया पर लगाए प्रतिबंध। रूस में नीतिगत दर बढ़कर पहुंची 19%, खुदरा मुद्रास्फीति दर हुई 9.1%, 2025 में 4% के लक्ष्य के पाने के लिए और अधिक दरों में वृद्धि की जताई संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अश्वेत एक्सीलेंस कार्यक्रम की मेजबानी की, हैती के अप्रवासियों के बारे में ट्रंप के झूठे दावों का विरोध किया। बोइंग कैप्सूल के वापस लौटने पर बोले अंतरिक्ष यात्री सुनीता और बुच विलमोर, कहा बोइंग कैप्सूल को पृथ्वी पर लौटते देखना कठिन। IDF का लगातार जारी है हिजबुल्लाह पर हमला, दक्षिणी लेबनान के कफर रोमाने पर दागे रॉकेट। उत्तरी इजराइल के एक शहर में विस्फोट, पुलिस स्टेशन के पास कार में हुआ धमाका, इलाके में हड़कंप। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार मनाई गई जिन्ना की बरसी, कार्यक्रम में बढ़ी गई उर्दू कविताएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ब्रिटेन ने दी चेतावनी, कहा रूस ईरान और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका ने ईरान पर लगाया आरोप, यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता के समर्थन का, सुरक्षा परिषद की बैठक में किया गया समर्थन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने चीन से अपील की, कहा यूक्रेन के खिलाफ रूसी गुस्से में साथ ना देने की अपील की। व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन, मध्य पूर्व और इंडो पैसिफिक में विकास पर की चर्चा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की पश्चिम देशों से मांग, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दे, रूस को हराने के लिए इसकी जरूरत। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में रूस ने किया हवाई हमला, मिसाइल और रॉकेट अटैक में 2 लोगों की मौत और कई घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रणनीतिक सम्मेलन के दौरान भागीदार देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, सम्मेलन के दौरान पोलिस और लुथियानिया के विदेश मंत्रियों से बातचीत भी हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर पश्चिम चीन के शांक्सी गांसू प्रांतों का निरीक्षण किया, पीली नदी बेसिन के संरक्षण और उच्च गुणवत्ता वाले विकास पर की मीटिंग। पोप फ्रांसिस ने गाजा पर इजरायली हमले की निंदा की, कहा बच्चों की हत्या घृणित, इजरायल नहीं उठा रहा शांति की दिशा में कदम। बल्गेरिया का सैन्य जेट विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, विमान में सवार 2 पायलट की मौत, एयर शो के अभ्यास के दौरान हुई दुर्घटना। अमेरिका के मैरीलैंड में बस और डंपर की टक्कर हुई है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू, 2 मंजिला गोदाम समेत 2 इमारतें चपेट में आईं।